स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू ई लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन डिजाइन ऑफ कॉन्ट्रोजाइट। स्टूडेंट्स, हमने हमारे पिछले जो दो ई लेक्चर थे उसमें हमने क्वार्टर जॉइंट के डिजाइन के बारे में बात की। पहला जो हमने बात की थी उसमें सिंपल क्वार्टर जॉइंट के बारे में बात की, जिसमें फेलियर्स के कंसिडरेशन पर हमने डायमेंशन को कैलकुलेट किया। दूसरे ई लेक्चर में जब हमने बात की तो क्या बात की, इंपेरिकल रिलेशन से हम ये क्वार्टर जॉइंट को डिजाइन किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम हमारे बोर्ड के पेपर्स में एक सवाल आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 BTER स्पेशल 2017। इसमें आपको क्या सवाल किया गया है, एक क्वार्टर जॉइंट को डिजाइन करना है जो 30 किलो न्यूटन इन कंप्रेशन टू 30 किलो न्यूटन इन टेंशन। इसका मतलब जो टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द जॉइंट है वो है 30 किलो न्यूटन। वो कंप्रेशन में भी हो सकती है और टेंशन में भी हो सकती है। उसका जो जॉइंट का मटेरियल दिया गया है वो कार्बन स्टील दिया गया है। इसका ये मतलब हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जो तीन पार्ट्स हमारे थे, सॉकेट, स्पाइगॉट और क्वार्टर, तीनों का मटेरियल जो है वो सेम है। रॉड भी हमारी सेम मटेरियल की है और उन तीनों के लिए जो स्ट्रेसेस दी हुई है वो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस बराबर है दोनों, वो है 50 मेगा पास्कल, इसका मतलब 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दूसरी शेयर स्ट्रेस जो हमें दी है वो है 35 मेगा पास्कल और क्रशिंग स्ट्रेस जो दी है वो दी है 90 मेगा पास्कल। और ये बताया गया है कि लोड को स्टेटिकली अप्लाई किया गया, धीरे धीरे अप्लाई किया गया है, वेरिएबल नहीं है ये लोड हमारे यहाँ पर। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं आगे हमारा इसका डायग्राम किस तरीके का होगा। तो डायग्राम हमारा फिर से वही स्टैंडर्ड डायग्राम है, सॉकेट, स्पाइगॉट और क्वार्टर तीनों को मिलाकर हमने जो ज्वाइंट बना रखा है। डायमेंशंस सारी उसी तरीके से है जैसे पिछले हमारे लेक्चर में हमने बात की है। डी डायमीटर ऑफ रॉड, D1 डायमीटर ऑफ आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट, D2 डायमीटर ऑफ स्पाइगॉट यहाँ पर नजर आ रहा है देखो, D3 स्पाइगॉट की कॉलर का डायमीटर है, D4 सॉकेट की कॉलर का डायमीटर है। ये तो पांच डायमीटर हो गए हमारे। फिर ये ए बी सी, सी स्पाइगॉट की थिकनेस है, बी क्वार्टर की मेन विड्थ है और ए जो है स्पाइगॉट की एंड की दूरी है, कहाँ से, सॉकेट के एंड से। तो ये तीनों डिस्टेंसेस हमें एबीसी दी गई है। टी और टी वन दो थिकनेस है, टी किसकी थिकनेस है, इस क्वार्टर की थिकनेस है, क्वार्टर की लेंथ एल दी हुई है, टी वन हमारा जो स्पाइगॉट की कॉलर है इसकी हमें थिकनेस दी गई है। तो ये सारी की सारी डायमेंशंस है। इसके अलावा ये देखो पी जो है इसका, ये लोड कैरिंग कैपेसिटी है इस पूरे के पूरे ज्वाइंट की या सिस्टम की। तीन तरीके की स्ट्रेसेस हमें सवाल में दी गई थी, सिग्मा टी, टॉ और सिग्मा सी। तो देखो यहाँ पर हमने गिवन को मेंशन कर दिया है, 30 किलो न्यूटन लोड, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस 50 मेगा पास्कल, शियर स्ट्रेस 35 मेगा पास्कल और कंप्रेसिव स्ट्रेस 90 मेगा पास्कल, 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये हमें जो डायमेंशंस दी गई थी। अब हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हमारी जो अप्रोच रहती है वो टेंसाइल फेलियर ऑफ द रॉड और डायमीटर ऑफ रॉड स्मॉल डी से हमने जिसे रिप्रेजेंट किया है। तो टेंसाइल या कंप्रेसिव फेलियर होगा, तो टेंसाइल और कंप्रेसिव फेलियर में हमने बात की थी शुरुआत में कि साइड व्यू में अगर मैं जाके इसका क्रॉस सेक्शन देखूं तो यहां से मुझे एरिया नजर आता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो इसको जब मैं लोड के इक्वेट कर देता हूं तो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा टी। तो ये हमारी कंडीशन बन गई यहाँ पर। यहाँ पर हमने वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये डी की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर कैलकुलेट होकर 27.64 मिलीमीटर। इसकी हमने राउंडिंग कर दी है अपर साइड में ले जाकर, इसको हमने कह दिया 28 mm। तो ये हमारी बेसिक डायमेंशन आ गई। अब ये डी कैलकुलेट होने के बाद अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो हम क्या करें कि सारे के सारे फेलियर्स कंसिडरेशन से हम सारे के सारे डिजाइन के पैरामीटर्स कैलकुलेट करें, दूसरा इंपेरिकल रिलेशन से, जहां पर अगर हमें डी मालूम हो तो मैं सारी की सारी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकता हूँ और बाद में उनके फेलियर चेक कर सकता हूँ। अब हमारा यहाँ पर अप्रोच रहेगी कि हम फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करेंगे कि फेलियर के एरियाज को कंसिडर करते हुए डायमेंशंस को हम कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरा टेंसाइल फेलियर ऑफ स्पाइगॉट। स्पाइगॉट कहां पर फेल होता है स्टूडेंट, जहां पर उसका वीकेस्ट सेक्शन होता है। तो स्पाइगॉट में वीकेस्ट सेक्शन कौन सा बनेगा, जहां पर स्पाइगॉट को काटकर हमने क्वार्टर के लिए जगह बनाई है। तो ये देखो क्वार्टर की जगह बीच में यहां पर नजर आ गई, क्वार्टर की थिकनेस नजर आ रही है टी, स्पाइगॉट का डायमीटर है वो नजर आ रहा है D2। तो अब हमें फेलियर में इसका एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। तो टोटल एरिया में से मैं ये बीच का एरिया घटा दूंगा, पाई बाई 4 D2 स्क्वायर माइनस D2 मल्टीप्लाइड बाई टी। D2 इसकी लेंथ है
और टी इसकी थिकनेस है। तो हमारा एरिया बन गया, कंसिडर द फेलियर ऑफ स्पाइगोट इंटेंशन अक्रॉस द वीकेस्ट सेक्शन के लिए पाई बाई फोर डी टू स्क्वायर माइनस डी टू मल्टीप्लाइड बाई टी। इसको यदि मैं स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे लोड के इक्वल हो जाएगा। यहां पर मैं ये वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दूं। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखने की बात है, क्या ध्यान रखना है यहाँ पर हमें, कि एक सिंगल इक्वेशन से दो वेरिएबल को मैं सॉल्व नहीं कर सकता। डी टू भी मेरे लिए अननोन है और टी भी मेरे लिए अननोन है। इसका मतलब एक चीज को यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर टी मान लिया है डी टू बाई फोर, ये स्टैंडर्ड डायमेंशन है टी, तो हमने डी टू बाई फोर इसको एज्यूम कर लिया, मान लिया यहाँ पर और सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पर वैल्यूज को। तो ये इक्वेशन हमारी तैयार हो गई इस तरीके से, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दिया, डेटा सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये आ गया 26.75 डी टू स्क्वायर। डी टू की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो ये वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 33.5 mm। इसकी मैं राउंडिंग कर दूं फिर से अपर साइड में ले जाकर, हमारी अप्रोच रहनी चाहिए डायमीटर की जब हम राउंडिंग करें तो हम इवन नंबर में उसको ले जाएं, तो 33.5 को जब मैं राउंड करूं तो ये 34 मिलीमीटर हो गया। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर टी को हमने अज्यूम किया था डी टू बाई फोर, तो हम टी को भी कैलकुलेट कर लेंगे, टी इज इक्वल टू डी टू बाई फोर। तो ये हो गया हमारा 34/4 और 8.5 मिलीमीटर थिकनेस कैलकुलेट हो गई और स्पाइगोट का डायमीटर हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। ये फेलियर का हमारा डायग्राम हो गया यहाँ पर। अब हमने जब फर्स्ट वीडियो लेक्चर बताया था तो उसमें क्रशिंग स्ट्रेस बताई थी। यहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेस किस तरीके से पिक्चर में आती है स्टूडेंट्स, कोई रिलेटिव मोशन हो तो रिलेटिव मोशन किस तरीके से होगा, जॉइंट को दोनों साइड से हमने टेंशन या कंप्रेसिव फोर्स दे रखा है और क्वार्टर इसके बीच में यहाँ पर स्पाइगोट में इंसर्ट किया हुआ है। अगर किसी भी कारण से हमारा क्वार्टर लूज हो जाए तो वो इसकी सरफेस को यहाँ पर टक्कर मारता है लगातार, जैसे जैसे लोड लगेगा वो खींचेगा या दबाव में आएगा, तो ये वाला जो एरिया है अंदर वाला एरिया ये हो जाएगा डी टू मल्टीप्लाइड बाई टी, तो ये एरिया मेरा क्रशिंग में चला जाएगा। तो मैंने कर दिया चेक द इंड्यूस्ड क्रशिंग स्ट्रेस। क्रशिंग स्ट्रेस के लिए मैं चेक कर दूं, क्योंकि एक ही फार्मूले से मैंने दो डायमेंशन निकाली है, तो यहाँ पर वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी, पी इज इक्वल टू टी इंटू डी टू इंटू सिग्मा सी, क्रशिंग स्ट्रेस के लिए एरिया आ गया। यहाँ इन दोनों वैल्यूज को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, लोड की वैल्यू मुझे दी हुई थी स्टूडेंट्स 30,000, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर दिया क्रशिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 103.8। अगर आपको ध्यान हो तो गिवन हमारी जो प्रॉब्लम थी परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस, उसमें क्या वैल्यू थी 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इट मीन्स ये जो हमारी क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप्ड हो गई सिस्टम के अंदर, ये इंड्यूस्ड या परमिसिबल या गिवन वैल्यू से ज्यादा हो गई। तो ज्यादा हो गई तो इसका ही मतलब हो गया कि हमारा जॉइंट फेल हो गया, अब हमें इसको यहाँ पर रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो रीडिजाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, जिस कंसिडरेशन से हमारा जॉइंट फेल हुआ है उसी कंसिडरेशन से हम इसके डायमेंशन को दोबारा कैलकुलेट कर देते हैं और इनिशियल सब्सटीट्यूशन कर देते हैं वहां पर। तो हमने कह दिया अब कौन से फार्मूले से फेल हुआ था, क्रशिंग के फार्मूले से फेल हुआ था, तो क्रशिंग का फार्मूला फिर से P इज इक्वल टू डी टू इंटू टी इंटू सिग्मा सी। तो यहां पर हमने फिर से वैल्यू उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, टी की वैल्यू को डी टू बाई फोर मान लिया है, तो अब डी टू को हमने क्रशिंग के कंसिडरेशन से कैलकुलेट कर दिया है यहां पर, तो डी टू की वैल्यू आ गई 36.5। इसकी हम राउंडिंग कर सकते थे 37, इवन में ले जाना था 38, लेकिन क्योंकि हमको इसको फेलियर से सेव करना है तो हमने इसकी राउंडिंग थोड़ी सी अपर साइड में और कर दी है, तो D2 को हमने कह दिया 40 mm। तो यहां से हमारी T थिकनेस ऑफ क्वार्टर जो है वो कितना आ गया स्टूडेंट्स, डिवाइड बाई 4 कर देंगे इसे हम, D2 बाई 4 था तो ये आ गई हमारी 10 mm। तो यहां तक अब हमने तीन डायमेंशन को कैलकुलेट कर दिया है, पहली कौन सी डायमीटर इसका रॉड का, दूसरा स्पाइगोट का डायमीटर, तीसरा थिकनेस ऑफ क्वार्टर, ये तीन चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिए। आगे बढ़े, स्पाइगोट का फेलियर हमने कंसिडर कर लिया, अब हमारी नेक्स्ट अप्रोच रहेगी सॉकेट का फेलियर। तो सॉकेट का फेलियर किस तरीके से होगा, सॉकेट को मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स कि ये एक हॉलो है, चित्र में भी हमने वहां पर दिखाया था 3D डायग्राम्स जब हमने शेयर किए थे, देखे थे वहां पर। तो यहाँ पर ये देखो स्पाइगोट का सॉकेट का जो बड़ा डायमीटर है उसका डायमीटर है D1 और अंदर से हॉलो कितना होगा, स्पाइगोट जाएगा तो स्पाइगोट का डायमीटर हो जाएगा D2 और इसमें से बी क्वार्टर इंसर्ट करके हमें निकालनी पड़ेगी तभी जॉइंट बन पाएगा सॉकेट और स्पाइगोट का। तो यहाँ पर हमने क्वार्टर इंसर्ट की तो क्वार्टर का भी जो हॉलो एरिया है वो यहाँ पर पिक्चर में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर वीकेस्ट सेक्शन बन गया ये, तो ये वीकेस्ट सेक्शन का एरिया मैं कैलकुलेट कर दूं और उसको सब्सटीट्यूट कर दूं, तो यहां से मैं D1 को कैलकुलेट कर सकता हूं।
तो देखो हमने यहां पर लिखा है द फेलियर ऑफ द सॉकेट इंटेंशन इज टेकन प्लेस एट द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सिस्टम आई ई वेयर क्वार्टर इज इंसर्टेड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बड़े वाला ले लिया मैंने पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दूं मैं पाई बाई फोर डी टू स्क्वायर, ये देखो हमने यहां पर मेंशन कर दिया है, और फिर उसके बाद डी वन में से इस डी टू को माइनस कर दूं तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एरिया पिक्चर में आ जाएंगे, और इसको मैं इस टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो डी वन माइनस डी टू इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई टेंसाइल स्ट्रेस दैट विल बी इक्वल टू लोड। यहां पर हमने वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया और ये इक्वेशन हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमने डिटरमिनेंट रूल से सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर जो D1 हमारा कैलकुलेट हुआ वो आया 49.9, क्यों 40, यहाँ पर हमने माइनस की वैल्यू को कंसिडर नहीं किया है, प्लस की वैल्यू को ही कंसिडर किया, माइनस यदि मैं यहाँ पर ले लूंगा तो ये वैल्यू जो है डायमीटर माइनस में आ जाएगा। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन 49.9, इसकी हमने राउंडिंग कर दी डी टू इज इक्वल टू 50 mm। तो यहाँ पर सॉरी ये डी वन है, ये गलत मेंशन हो गया, D1 is equal to 50 mm, तो ये हमारा डायमीटर यहां पर कैलकुलेट हो गया है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो अगला फेलियर है वो है क्वार्टर का फेलियर। क्वार्टर किस तरीके से फेल हुआ था, डबल शेयर में फेल हुआ था, दोनों तरफ से खींच रहा था, ऊपर के दो हिस्से सॉकेट के द्वारा खींचे जा रहा था, बीच का एक हिस्सा स्पाइगॉट के द्वारा खींचा जा रहा था। तो डबल शेयर के अंदर फार्मूला हमारा बन गया था बी इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई शेयर स्ट्रेस, और डबल कर दूंगा तो टू। तो कंसिडर द फेलियर ऑफ क्वार्टर इन डबल शेयर, लोड पी इज इक्वल टू टू इंटू बी इंटू टी इंटू शेयर स्ट्रेस, यहां पर मैंने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया तो यहाँ हमारी जो विड्थ है वो कैलकुलेट हो गई 42.86, इसे हमने राउंडिंग करके फिर से कह दिया से 43, ये डायमीटर नहीं है थिकनेस है, इसलिए हमें इसको इवन साइड में ले जाकर राउंडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, जितनी वैल्यू आ रही थी हमने उतनी की उतनी यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। फेलियर ऑफ स्पाइगोट और रॉड एंड इन शियर, रॉड एंड कौन सा था, स्पाइगोट का एंड था जिसमें हमारा ए आ रहा था, ए कहां पर आ रहा था, जहां पर डायमीटर डी टू था। तो अगर मैं इसके एरिया को कंसिडर करूं तो जैसे हमने शुरुआत के ई लेक्चर में बताया कि वो डबल शेयर में चला जाता है, तो लोड पी इज इक्वल टू टू ए इंटू डी टू इंटू शेयर स्ट्रेस, यहां पर हम इनको वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें तो यहां पर से ए हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 10.72, इसे हमने कह दिया ए इज इक्वल टू 11 mm। बड़ा सीधी सीधी सी बात है, फार्मूले हमारे स्टैंडर्ड हो गए हैं, एक बार हमने पहले के सब वेरीफाई कर दिए हैं, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो यहां से हम ए को कैलकुलेट कर लेंगे, बी भी हमने कैलकुलेट कर दिया, ए भी हमने कैलकुलेट कर दिया, अब हमें सी कैलकुलेट करना है, लेकिन सी कैलकुलेट करने से पहले हमें सॉकेट कॉलर का जो डायमीटर है डी फोर उसे कैलकुलेट करना होगा। तो सॉकेट कॉलर और स्पाइगॉट का जो एंड थे वो दोनों के दोनों क्रशिंग में भी कंसिडर हो रहे थे, तो सॉकेट कॉलर का डायमीटर D4 किस तरीके से आएगा, ये देखो यहाँ पर D4 क्वार्टर बीच में इंसर्ट किया हुआ है, और ये कौन सा है स्पाइगॉट का हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है, तो एरिया ये दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला ये एरिया कंसिडर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D4 में से D2 माइनस अगर मैं कर दूं तो ये बीच वाला एरिया कट जाएगा, और इसको अगर मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं, और क्रशिंग स्ट्रेस हमने कंसिडर कर रखी है, क्रशिंग में हमने इस फॉर्मूले को लिया है, तो सिग्मा सी यहाँ पर वैल्यू उसको अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो यहाँ से हमारा D4 कैलकुलेट होकर आ जाएगा 73.3, इसे भी हमने राउंडिंग कर दी है इवन साइड में से 74 mm। फेलियर ऑफ सॉकेट एंड इन शेयरिंग, थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर C, अभी हमने पीछे बात की थी, A भी कैलकुलेट हो गया, B भी कैलकुलेट हो गया, C बाकी रह गया, तो सॉकेट एंड शेयरिंग में जाएगा फिर से, ये जो अंदर के जो तीनों हिस्से थे A, B और C, ये सब डबल शेयर में जा रहे थे, तो सॉकेट कॉलर सी के लिए फिर से डबल शेयर की कंसिडरेशन आएगी तो 2, और एरिया कौन सा आ जाएगा D4 माइनस D2 को में से घटा दूंगा और C से मल्टीप्लाई कर दूंगा, C उसकी थिकनेस है। तो ये फार्मूला बन गया हमारा शेयर स्ट्रेस के लिए, तो यहां से हम C को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो C आ गया 12.60, इसको हमने राउंडेड करके कह दिया है वैल्यू को से 13 mm। ये देखिए शेयरिंग फेलियर ऑफ स्पाइगॉट कॉलर, ये स्पाइगॉट का आखिरी हिस्सा है, पूरे के पूरे सिस्टम को बाहर सपोर्ट कर रहा है, या थिकनेस ऑफ स्पाइगॉट कॉलर T1 हम यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे, तो ये इसकी T1 थिकनेस और ये D2 D3 और एरिया आ जाएगा पाई D2, एरिया कर दिया हमने पाई D2 मल्टीप्लाइड बाय T1, स्पाइगॉट कॉलर को शेयरिंग में कंसीडर कर लिया है, यहां पर हमने वैल्यू उसको सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट किया तो ये आ गया 7 mm। इस तरह से अब लेंथ ऑफ क्वार्टर को कैलकुलेट कर दें, 4D के बराबर है, हमने मान रखा है स्टैंडर्ड, तो ये वैल्यू यहाँ पर 112 mm कैलकुलेट हो गई, और E
जो डिफरेंस था वहां पर स्पाइक गॉट और जहां से सॉकेट का या रॉड एंड का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा था वहां पर, ये दूरी थी वहां पर उस ई, तो 1.2D हो गया। तो 1.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 34 mm आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारी ये सारी की सारी डायमेंशन जो है क्वार्टर जॉइंट की वो कैलकुलेट हो जाती है।